Audio Jungle. So now students, today I will start exercise 1.1. ये students आपके NCERT exemplar problems हैं, class 10th math chapter 1. तो अब स्टूडेंट NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसका रिवीजन, इस टाइप के क्वेश्चन आप करोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इनको आप जो है कुछ मतलब जैसे 10 दिन 15 दिन बाद अगर आप इनको जो है करते रहिए तो आपका रिवीजन इन्हीं क्वेश्चन से स्टूडेंट्स हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स, अगर प्लीज़ आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फॉर सम इंटीजर्स एम। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, फॉर सम इंटीजर एम एवरी इवन इंटीजर, यहाँ पे वर्ड क्या आया है, इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो फॉर सम इंटीजर एम यानी हम कुछ इंटीजर अगर एम की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो इवन इंटीजर होता है वो किस फॉर्म में होता है, ठीक है। एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए हम m की वैल्यू ये मान लेते हैं स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये हमने ले लिया या और जो भी नंबर आप लेना चाहो। अब इसको हम पहले इसमें रखेंगे, तो अगर हम m की वैल्यू स्टूडेंट 1 रखेंगे, ठीक है, तो ये इवन नहीं मिला हमें, क्या लिखा एवरी इवन इंटीजर, तो ये इवन नहीं है, ये ए हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर इसमें स्टूडेंट्स अगर हम 1 रखेंगे तो देखिए 1 + 1 कितना आएगा, ये आएगा 2, ठीक है। फिर हम इसमें 2 रख देंगे तो 2 + 1 कितना आएगा, 3, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा स्टूडेंट्स क्या है, पॉसिबल नहीं है बी। अब यहां पर हम चेक करते हैं, ठीक है, तो देखिए 2 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 × 2 करेंगे तो कितना आया, 4 आया। तो देखिए यहाँ भी इवन नंबर 2 मिला, यहाँ भी इवन मिला। फिर अगर हम 2 × 3 करें तब भी हमें 6 मिला, तो यहाँ भी, तो इस कंडीशन में हमें ये जो नंबर मिल रहे हैं स्टूडेंट्स ये इवन मिल रहे हैं। एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, तो स्टूडेंट्स प्रत्येक इवन इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में होता है, 2m के फॉर्म में होता है। और हम कोई भी इंटीजर m को लेकर के उसको चेक करें, सम इंटीजर का मतलब यही है कि फॉर सम इंटीजर m, तो हमने कुछ नंबर ले लिए थे तो इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट का स्टूडेंट वो सी करेक्ट है। फिर सेकंड में देखिए फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर, अब यहां पर बात है ऑड इंटीजर की, ठीक है। तो अब मान लीजिए q बराबर हमने यहां पर भी ले लिया 1, 2, 3, 3 नंबर ले लीजिए सभी से। अब स्टूडेंट देखिए ये होगा नहीं, क्योंकि क्यू की वैल्यू 1 रखोगे तो ऑड है, फिर क्यू की वैल्यू 2 रखेंगे तो इवन आ जाएगी, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए हम जब 1 + 1 लिखेंगे, ये 1 + 1 करेंगे तो 2 आ गया, ठीक है, तो 2 आया तो ऑड नहीं मिला, ये हमें ऑड नहीं मिला, तो ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। फिर यहाँ पर ये भी सही नहीं होगा स्टूडेंट, क्यों नहीं होगा सही, देखिए 2 × 1 कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये तो हमें मिल गया इवन, जबकि चाहिए हमें ऑड, तो बचा कौन सा, ये बचा है 2q + 1। इसको भी चेक करके देखना चाहते तो कर लीजिए, देखिए q की वैल्यू 1 रख दीजिए तो ये 3 आई, फिर q की वैल्यू 2 रख दीजिए तो 2 × 2 + 1 करोगे तो 5 आया, तो देखिए यहाँ पर भी ऑड इंटीजर मिला, यहाँ पर भी ऑड इंटीजर मिला, तो इसलिए उसका जो ऑप्शन डी है वो स्टूडेंट्स करेक्ट है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, तो अप्रोक्सीमेशन करना है इसमें। देखिए थर्ड को अगर हम ये कह रहा है कि n² - 1 is divisible by 8 if n is, तो देखिए अगर स्टूडेंट 8 से कब डिवाइड होगा, अगर n स्क्वायर की वैल्यू 9 आएगी तो n² - 1 कितना होगा, 8 आ जाएगा, तो 8 से डिवाइड होता है। फिर अगर n स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, अब n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, यानी 24 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्या होगा ऑड इंटीजर में लेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए हम n की वैल्यू 5 लेते हैं, ठीक है, तो n² = 25 आएगा, ठीक है,
तो 25 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो ये किससे, 8 से डिवाइड हो गया। तो n की वैल्यू, एक तो हमने 3 ली, 3, और एक दूसरी ली 5, ठीक है। फिर हम लेंगे कौन सी, 7। तो n ऑड इंटीजर जब आएगा स्टूडेंट, तभी ये इससे डिवाइड होगा। देखिए 9 माइनस 1 8, 25 माइनस 1 24, फिर यहाँ पे 7 स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 है, तो 49 माइनस 1 करेंगे तो 48 आएगा। तो 48 जो है वो 8 से डिवाइड होता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है स्टूडेंट। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि HCF ऑफ 65, जो HCF है स्टूडेंट्स, ठीक है, HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, यानी इसके जो HCF को है वो हमें इस फॉर्म में लिखना है, 65 m माइनस 117। तो देखिए अगर इसका हम HCF निकालें किस मेथड से, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ठीक है, तो 65 से अगर हम डिवाइड करते हैं 117 को तो एक बार होगा, तो ये 65 आ गया, यहाँ पर 2 आया, तो ये आएगा 52, ठीक है। अब इस 52 से हम फिर डिवाइड करेंगे किसको, 65 को, तो ये 52 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आया, 13 आ जाएगा, ठीक है, और 13 से फिर करेंगे तो ये 52, तो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हम इसको लिख कितना सकते हैं, ठीक है, तो इनका HCF जो है वो 13 आया, HCF कितना आया, 13 आया। तो देखिए ये हो जाएगा कि HCF ऑफ 65 और 117 इक्वल टू कितना है, 13 आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए इफ HCF ऑफ, तो HCF जो 65 और 117 का है वो इसके इक्वल है, 65 एम माइनस 117 की, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 65 एम माइनस 117 इक्वल टू 13, ठीक है। तो 65 एम इसी को सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट, तो देखिए 117 प्लस 13 तो कितना हो गया, 130 हो गया, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 130 अपॉन 65, ये आ गई स्टूडेंट, तो कितना आ गया, m की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी, ये करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट, इसका ऑप्शन जो है वो बी, इसका ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बाद जो है ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए फिफ्थ को जब हम सॉल्व करेंगे तो फिफ्थ में क्या है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए 70 माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ गया, 65, ठीक है, और 125 माइनस 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 117। अब लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें इन दोनों का HCF फाइंड करना है, 65 का और 117 का। तो अभी अभी हमने यहाँ पर निकाला था स्टूडेंट, कितना आया था यहाँ पर HCF, देखिए 13 आया था, ये आया था 13, इसका HCF आया था, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 में क्या है स्टूडेंट, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज, अब देखिए ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। फिर दूसरा है बी, बी इज इक्वल टू है एक्स वाई क्यूब, तो इसको हम कैसे लिख सकते, एक्स और फिर जी आ जाएगा वाई इंटू वाई इंटू, ठीक है, वाई, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब इसमें स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है HCF, तो HCF जो आएगा तो इसका मतलब है दोनों में जो कॉमन है, तो HCF ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, देखिए एक्स यहाँ से कॉमन है और वाई यहाँ से कॉमन है, दो वाई एक वाई, तो ये आ गया स्टूडेंट्स एक्स वाई स्क्वायर, तो ये HCF, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है स्टूडेंट्स। फिर देखिए 7 में क्या कह रहा, ऐसे ही इसमें स्टूडेंट्स पी और क्यू का हमें
एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए पी इज इक्वल टू क्या है, ए बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए इंटू बी इंटू बी। फिर क्यू इज इक्वल टू कितना दिया, क्यू की वैल्यू दी गई है ए क्यूब बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए इसमें कॉमन क्या है, ठीक है, एस सी एफ ऑफ ए कॉमा बी, कॉमन क्या है, एक ए कॉमन है स्टूडेंट्स और एक बी कॉमन है, तो ए बी इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से एक ए कॉमन है, ठीक है, और यहाँ से एक बी कॉमन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी आ गया स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट में क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट में है हमारा कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। अब देखिए रेशनल नंबर मान लीजिए हम कोई ले रहे हैं टू, इरेशनल नंबर हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है, ये ले लिया रूट टू, ठीक है, तो ये टू रूट टू आया। तो जब भी हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज इरेशनल ही आता है, क्या आएगा, ऑलवेज इरेशनल आएगा, ठीक है। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो ऑलवेज इरेशनल होगा, ठीक है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नाइन, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ लीस्ट नंबर। तो इसका हमें क्या निकालना है, 1 से 10 तक के जो नंबर हैं, ठीक है, इनको लिख करके और इनका हमें एलसीएम स्टूडेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो 1 से 10 का जो है एलसीएम ऑफ 1 to 10 हमें इसमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, एलसीएम ऑफ 1 to 10, ठीक है। तो देखिए 1 का फैक्टर 1 होगा, 2 का जो फैक्टर है वो 1 into 2 होगा, 3 का जो फैक्टर है वो 1 into 3 होगा, 4 का जो फैक्टर है वो 1 into 2 into 2 हो जाएगा, 5 का फैक्टर जो है वो 1 into 5 है, ठीक है, 6 का जो फैक्टर है वो 2 into 3 है, और जो 7 का फैक्टर है वो 1 into 7 होगा, 8 के जो फैक्टर है वो 2 into 2 into 2, 9 के जो फैक्टर है वो 3 into 3 होंगे, और जो 10 का फैक्टर है वो होगा 2 into 5, ठीक है। तो इन सब का हमें जो है वो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तब इसका एलसीएम क्या आएगा, देखिए इसका जो एलसीएम आएगा 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद 2, सबसे ज्यादा कितनी बार 2 आया स्टूडेंट्स, 3 बार आया, देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा बार आया उसको हम लिख देंगे, तो 2 सबसे ज्यादा 3 बार आया है, ठीक है, फिर 3 सबसे ज्यादा कितना, 3 2 बार आया है, ठीक है, फिर इसके बाद 5 एक बार आया है और 7 भी एक बार आया है। तो इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2520 आएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से एलसीएम हमें सबका निकालना है, इनका 1 से लेके 10 तक का, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है लीस्ट नंबर That is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive. तो 1 से 10 तक के कोई भी नंबर से 2520 डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक और देखिए, इसमें लास्ट क्वेश्चन है ये MCQs में, the decimal expansion of the rational number 1514587 upon 1250 will terminating after. ठीक है, तो 1457 अपॉन 1250, ठीक है, 8, 7, 15, 5, 20, 4, 24, 1, 25, नहीं ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स तरीके से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। अब सबसे पहले हम इसके फैक्टर देखेंगे करके, ठीक है, क्योंकि अगर ये 100, 1000, 10,000 जो इसका डिनोमिनेटर है अगर इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हमें किससे, क्योंकि इसके पहले फैक्टर करेंगे स्टूडेंट्स, हम 1250 के पहले फैक्टर करेंगे हम,
तो 14587, ठीक है। तो अब देखिए 1250 की अगर हम फैक्टर करेंगे, देखिए 25 पंचे 125, ठीक है, और ये आ जाएगा, इतना हो गया ये 5 की पावर 4, ठीक है, या हम ये कह सकते 10 into 5 की पावर 3, इसके जो फैक्टर हो गए वो इतने हो गए 10 into 5 की पावर 3, ठीक है, चूंकि ये हो गया 10 into 5 की पावर 3। तो अगर स्टूडेंट इसमें हम 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जिसका जो डेनोमिनेटर है वो 10 का मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है, वो 10 का मल्टीपल आ जाएगा अगर। तो अब देखिए ये आ गया हमारा 14587, ठीक है, इंटू 8 अपॉन, ठीक है, अब यहां पर हमने 8 से मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स कर दिया, तो हमें कितना मिल जाएगा, देखिए 10 तो यहां पहले से दिया है, और ये 125 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 की पावर 3, 25 पंचे 125, ठीक है, तो अगर इसमें हम इससे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 125 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 पंच 40, 8 दूनी 16 और 4 20, तो ये आ जाएगा 1000 मिलेगा हमें, कितना मिल जाएगा यहाँ पर 1000, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि अगर नीचे स्टूडेंट्स डेनोमिनेटर में 10000 है, कितना है 10000 है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है विल टर्मिनेट होगा, ये 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब अगर इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1166696, स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई इसका कर रखा था, आप चाहें तो आप इसको करके देख सकते हैं, ये आ गया। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11.6696, तो कितने प्लेसेस के बाद हुआ स्टूडेंट्स, 4 डेसिमल प्लेसेस, ये आएगा 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी स्टूडेंट्स करेक्ट होगा, इसका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, डी करेक्ट होगा, ठीक है। रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको करने थे। अच्छा, इसका आंसर क्या आया था, 9 वाले का हमने करके आपको बताया 2520, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, और इसका भी ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको फैक्टर करके भी आपको बता दिए, तो ये आपका जो वर्क था स्टूडेंट यहाँ पर, ये आपका रफ वर्क था, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने थे, प्लीज आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।